आपको लिए परम श्रेष्ठ। देखिए कितना अन्याय हो रहा है। सुरुचि ने कितनी निर्ममता से उस नन्हे से बालक का हृदय तोड़ दिया। देख रहा हूँ महादेवी। देख रहे हैं और फिर भी मौन है? यही तो तब बात भी कर रहा था। मैं तो देवलोक की हूँ, मुझ में ये साधारण मानवीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ध्रुव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर मेरा भी मन भराया है। आपका मन इसलिए भराया है देवी कि आप स्वरूप में नारी हैं और हर नारी में एक माता छिपी होती है। दया, करुणा और ममता नारी की विशेषताएं हैं। नारी तो सुरुचि भी है त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है। हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती देवी। आवश्यक नहीं कि हर सुंदर स्त्री का मन भी कोमल हो। सुरुचि लालसा की मूर्ति है, परंतु ध्रुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोष सुरुचि का नहीं है। सबसे बड़े दोषी तो महाराज उत्तानपाद है। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हमने पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है। पुत्र को प्यार देना, उसका संरक्षण करना पिता का कर्तव्य है। परंतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि की सुंदरता पर मोहित होकर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे हैं देवी। एक पिता ब्रह्मा भी होता है और विष्णु भी। वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोषण भी करता है। उत्तानपाद ने ब्रह्मा का धर्म तो निभाया, परंतु हमारा धर्म नहीं निभा पाए। तो फिर अब क्या होगा नारायण? मानव स्वभाव में संघर्ष की शक्ति भरी है। हमने ध्रुव को भी हमने इसी शक्ति से संपन्न किया है देवी। किंतु हे सर्वश्रेष्ठ, ध्रुव तो अभी बहुत छोटा है। उसमें संघर्ष शक्ति हो भी तो वो उसका प्रयोग कैसे करेगा? देवी, संघर्ष का संबंध आयु से नहीं, इच्छा शक्ति और मन की लगन से होता है। भड़कती हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी ही होती है। ध्रुव भी एक छोटी सी चिंगारी के समान है। यदि उसे भड़कती ज्वाला बनना है तो उसे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। आप स्वामी हैं, विश्वेश्वर हैं। आप जो कहते हैं उसका भेद भी केवल आप ही जानते हैं।